ज्यादा से ज्यादा 20% पानी चेंज हो रहा है एक कल्चर में, इसलिए तो ट्रेनिंग का जरूरत है ना। यस सर, इसमें प्रॉब्लम आएगा। आज भी चेक कीजिए, आज भी चेक कीजिए, आपका लगभग 6 एमोनिया आ गया। हाँ, 6 आज चेक कीजिए। पूरा चेंज करके 80% चेंज करके फायदा क्या हुआ? टेस्ट करते थे ना, जानते हैं। अब बस भी आ रहा है। नहीं नहीं, हां यस यस, बाजार में उठाने का जरूरत है, हमको ऐसे पसंद नहीं है। क्यों मजदी को देखो थोड़ा सा रेट सेट मालूम चल रहा है। हाँ सर, हाँ मालूम चल रहा है। हाँ, रेट सेट मतलब आपको एक प्रॉब्लम आ रहा है। ओके सर, ठीक है, पेट सही है तो खाना खा रहा है, देखिए पेट पूरा फुला हुआ है, मगर ये जो रेट सेट आ रहा है ना, ये माउथ पूरा रेट हो जाएगा, आंखें भी रेट हो जाएगा, छोटा देखिए रेट पूरा, देखिए पूरा रेट हो गया नीचे। हाँ, ठीक है, पूरा रेट हो गया ना। यस सर, ये पूरा डीप हो जाएगा रात को, क्योंकि रात को एंटू क्रिएट होगा, अमोनिया क्रिएट होगा, ठीक है। और इसका पानी ऐसा ग्रीन जैसा नहीं होगा, ठीक है। पूरा देखो रेड सेट लग रहा है ना, ऊपर से देखो, देखो सब में रेड सेट लग रहा है। हाँ सर, हाँ पूरे में है, रेड सेट लग रहा है ना पूरे में। सैंपलिंग देखो, सैंपलिंग देखो। हाँ सब ठीक है, 40% अगर सही हो जाए तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ आपको बहुत हो जाता है सर। कम से कम 100 ग्राम का। ये कितना, 1 ग्राम का छोड़ दे? हाँ, 1 ग्राम का, 1 ग्राम का था। हजार कितना दिन पहले? सर डेढ़ महीना पहले। अभी 4 महीने बाद तो लगभग 450 उसी हिसाब से ग्रोथ तो नहीं है। नहीं, और आपका सब भी नहीं है, रेट हो गया ना, यहाँ पे खून भी निकल सकता है N2 का, अगर इसका सर ऐड हो जाएगा, N2 क्रिएट हो जाएगा तो ठीक है। और इसका ऊपर जो वो रहता है ना जेल टाइप का, वो नहीं रहेगा, देखिए चेक कीजिए, नहीं रहेगा। हाँ, वो N2 खत्म कर देता है उसको। ओके ओके, और उसी से भी और ज़्यादा अमोनिया क्रिएट होगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ये जो पेज में जो देखिए ना, देखिए रेड टिप टिप कलर का है ना, ये N2 का वजह से, ये अमोनिया का वजह से नहीं है, ये अमोनिया का वजह से। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, N2 का वजह से ये पूरा भर जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए, इसका मुख का अंदर भी ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को पकड़ना है, किसका वजह से हो रहा है ये बहुत, अगर ट्रेनिंग नहीं लेगा तो मुश्किल है, क्योंकि ऑक्सीजन आप लोगों के साथ घूमने से बहुत सारी नई चीज पता चल रही है, इसीलिए तो सर का चैनल में कमेंट आता है, अरे जो मैं पढ़ा था आप उल्टा उल्टा दे देते हो, आप बोल देते हो ऑक्सीजन ज्यादा होने से प्रॉब्लम है, आप बोल देते हो TDS चाहिए, अभी क्या हुआ जो बायोफ्लो किया है ना, सबको सुना रहा हूँ भाई, हो सकते इसमें से खैर किसी जरूरत नहीं है, लेकिन सबके परिवार में लोग होंगे जिनको जरूरत है। ये जो बताया नहीं हो ना, अच्छा हाँ, मंत्रालय में जो वर्ग 3 के लिए जो चाहिए ऑनलाइन, हाँ पढ़ देना चाहिए यार, कहाँ लगा है ऑनलाइन भरे में क्या दिक्कत, लेकिन वोमन हराम खोल बोल बहुत से आना है आजकल, लोग डायरेक्ट पे मतलब ATM से पैसा मांगते हैं, है ना। ये कम जगह में बढ़िया लगा, इसमें जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है इसमें फॉग नहीं है, मतलब आपका जो कल्चर हो रहा है वो हाई डेंसिटी पे नहीं हो रहा है, मतलब इसमें अब इस टाइम में और भी ज्यादा हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ क्योंकि इसमें फॉग नहीं है ना। अच्छा, फॉग में मासदी ज्यादा क्यों बड़ा होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन।
देखिए फॉग एक इसका खाना है जो आपको बैक्टीरिया प्रोटीन सेल में कन्वर्ट करता है और मास्ली 24 आवर्स खाना लेता है। तो 24 आवर्स खाना लेने का वजह से ही बड़ा होता है। तो आप जो खाना दे रहे हो यही उसका खाना है, बाकी मतलब 23.3 आवर्स इसको कुछ नहीं मिल रहा है। इसके लिए इसका ग्रोथ कम है मगर इसका पैरामीटर ठीक है, ठीक है ना। तो इसको आप पहले रिसर्च कीजिए, आप नया सिस्टम हम लोग को चेंज किया है जिसमें ज़्यादा अच्छा हो रहा है। 150 ग्राम आप मुलासिस ये लीजिए, प्रोबायोटिक लीजिए, 1 किलो मुलासिस लीजिए और 30 ग्राम उसमें सॉल्ट डाल दीजिए, 1 एयर पम्प डालिए, ढक्कन बंद नहीं करना है, हल्का खुला रखना है, ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि नाइट्रोसाइन जो बैक्टीरिया है जो दूसरा बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करता है उसको ऑक्सीजन चाहिए। ओके, मतलब वो प्रोटीन सेल में आपको कन्वर्ट नहीं करता है मगर वो बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। ओके, मगर जो आपको प्रोटीन सेल में कन्वर्ट करता है उसको ऑक्सीजन छोड़कर जिंदा रहेगा। ओके, तो इसीलिए आपको ढक्कन खुला लगना है, ठीक है। 24 आवर्स इसको चार्ज कर दीजिए और जो मोलासिस इस बार मोलासिस नहीं चाहिए, अमोनिया ज़्यादा होगा तब मोलासिस ऐड करना है। जैसे नाइट्रोजन निकला ना, अगर इसका बायोमास कितना कर दो, ये हमारे दिन साहब लास्ट में गुरु जी का लड़का बोला दिन तो बाद में बोले कल का को गुरु जी का कितना लास्ट में कल का सर ये पढ़ाए हम लोग गुरु जी के जी दोनों में पढ़ाए 14 में आया जी कितने पहले कल कल का दे दिया 30 सर मैं आता हूं 15-10-2000 एक 15 दिन पहले तो अभी तो इस बहुत ज़्यादा होगा। हाँ ज़्यादा लगभग मैं 25-20 के लिए पकड़ सकता हूँ। हाँ तो 20 के जी हिसाब से सर मैं 3% दे रहा हूँ। ये वीकली चेक निकलना है आपको? हाँ वीकली करना है। चलो अभी आज लिखिए, अभी 20 के जी बायोमास लिखिए, 20 के जी ओके सर। हेलो बायोमास जो खाना दे रहे हो कितना परसेंट दे रहे हो? नहीं ठीक है, फ्रिज में आपका 32 है, 32% ठीक है सर। मैं निकाल दूँ? ओके, 75% आपको टैंक में छोड़ देते हैं, तो इसका 75% निकल वहाँ से नाइट्रोजन अंदर। आप क्वेश्चन पूछ रहा था ना, मछली में हम लोग जो दाना देते हैं 25% बॉडी अब्जर्व करते हैं, 75% ठीक है फिर मल्टीप्लाई वहाँ से नाइट्रोजन 10। अब वो 130 का मोलासिस देता है, नाइट्रोजन मींस अमोनिया, ठीक है। अब दीजिए तो उसको डिजॉल्व करने के लिए हमको, और ये मोलासिस देने से आपका पीएच भी थोड़ा सा कम हो जाएगा सर। मोलासिस के जगह अभी फिलहाल गुड़ है ना, 5 केजी बार बार मोलासिस डालने से 1 केजी वाटर डालिए उसको थोड़ा सा बॉडी उसके पास स्टोर करता है। उसके बाद क्या होगा, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया 230 ml आप मोलासिस लीजिए और इसके साथ 500 और 1 लीटर वाटर मिक्स कीजिए और ऐसा कुछ बटल में लगा दीजिए, 2 लीटर का बोतल है ना उसमें यहाँ पे छेद कीजिए, जैसे ऑक्सीजन का पाइप लगा है ना वो पाइप लगाइए और एक कंट्रोलर लगा दीजिए, ऐसे दीजिए 24 आवर्स में वो मिक्स कर दीजिए। एक साथ में देने से क्या होगा, ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 में आ जाएगा, और ये मोलासिस 5 डे देने का वजह से आपको पीएच भी डाउन होगा, अगर 6 के नीचे चला जाएगा तो थोड़ा CO3 देके उसको लेवल कर देगा, 7.5 कर देगा, ठीक है। एक करने से आपका एमोनिया क्लियर हो जाएगा सर। कल 200 ग्राम दिए हैं सर, ये देखिए कैसे हम लोग वो कर रहे हैं इसमें बिजली का सर। ये हम लोग मोलासिस का कलर बोल रहे हैं, ये तलबिया में 200 तलबिया में तो जरूरत नहीं है अभी हो गया। तो और किसी तलबिया में जब आपका एमोनिया हाई होगा तब ड्रॉप चलता रहे सर। ये देखिए 24 घंटे के बाद देखिए हमको ये दे देगा, कल भी दिया है और परसों भी दिया था, इससे पहले भी 5-15